छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया है, जिससे उसे सत्ता मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी यही किया था, इस बार भी यही कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई फार्मूला नहीं है। इस विभाजन से उन्हें वोट मिलते जा रहे हैं, सत्ता मिल गई, लेकिन हिंदुओं को सिवाय भय के क्या मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो हिंदुओं को मिला क्या है, केवल भय के। उनको डरा डरा कर वोट ले रहे हैं। आपको खतरा है, आपको खतरा है, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। मिला किसको? भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें नकार दिया है। जिस तरह सांप्रदायिकता का जहर बोने की कोशिश की, धर्मांतरण का जहर बोने की कोशिश की, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में ये लोग पूरी तरह से पराजित हुए। देश की जनता इनकी चालों को समझ चुकी है। जनता धीरे धीरे सब समझती जा रही है। कोरबा में केवल हिंदुओं को ही काम देने और हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा, यही जहर बोने का काम है। आज आप एक धर्म से दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, कल एक जाति से दूसरी जाति की करेंगे, इसके बाद एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का, एक शहर से दूसरे शहर का करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए कितना बांटेंगे आप? मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पहले कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, इसके बाद कहते हैं कि अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पड़ोसी जितने देश हैं उनको मिला लो। फिर भेज क्यों रहे हो? इस जहर से किसका नुकसान और किसका फायदा होगा? नुकसान आम जनता का होगा। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज जहर बोएंगे तो वे जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि नफरत की आग में केवल घर जलते हैं, घर बर्बाद होते हैं। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, तुलसी का है, सूर्य का है, गांधी का है। इसमें प्रेम भाईचारे का संदेश सदियों से दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते हैं, यह विचार बहुत व्यापक है, लेकिन आपके व्यवहार बहुत शूद्र हैं, संकुचित हैं। यह देश और समाज के लिए बेहद घातक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 में संशोधन से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राज्यों पर नियंत्रण करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्यों को कंट्रोल करना चाहती है, वे राजभवन का भी दुरुपयोग कर रही है। दूसरी तरफ आईएएस अधिकारियों पर कंट्रोल रख रहे हैं, वैसे भी वे डेपुटेशन में जाते ही हैं। यदि कोई जाना चाहे तो उसे रोकते भी नहीं। नियमों में बदलाव से राज्य का नुकसान होगा, जो संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस बदलाव के माध्यम से आप भय बनाए रखेंगे तो यह संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके विरोध में उन्होंने पत्र लिखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे राज्य भी ऐसा पत्र लिखकर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।